हेलो माय वाटी फैमिली, कैसे हो आप लोग। आज हम ना 1 kg का रेक्टेंगल शेप में ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने वाले हैं। तो ये ना मेरे पास ना बहुत बड़ा टीन है जिसमें ना 1.5 kg से 2 kg का केक बेक होता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, उसमें सिर्फ 2 लेयर का ही केक बनाती हूँ। फिर भी वो केक ना 1300 ग्राम तक चले जाता है। आप देख सकते हैं मैंने ना सिर्फ 2 ही लेयर बनाए हैं उसके, और उस मैंने ना ज़्यादा शुगर सिरप का यूज़ नहीं किया है। सिर्फ जो क्रम्स है ना केक के साथ में चिपक जाए, उतना ही मैंने शुगर सिरप का यूज़ किया है, क्योंकि ना कस्टमर को ज़्यादा शुगर सिरप वाला केक पसंद नहीं है इसीलिए। तो अभी मैंने क्या करूँगी, थोड़ी क्रीम के साथ ना क्रम कोटिंग करके फ्रिज में सेट करने के लिए रख दूँगी। आप देख सकते हैं जो भी क्रीम एक्स्ट्रा हो रही है मैं नीचे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ना मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। देखिए मैं ना जो 2 लेयर के बीच में जगह है ना उसको भी फिल कर रही हूँ, क्योंकि ना बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है कि फिल नहीं होती है फिर अच्छे से। तो इस और हम जब फाइनलाइजिंग करते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आप कभी भी ना 2 लेयर के बीच में जो जगह होती है ना उसको भी आप अच्छे से फिल करते जाना। ये देखिए क्रम कोटिंग हो गया, मैंने ना वो थोड़ी देर फ्रिज में सेट करके केक को रखा था, तो अभी हम उसकी फाइनलाइजिंग करेंगे। मैंने क्या किया है, पैकिंग बैग में क्रीम फिल की है और पूरे केक के ऊपर अभी हम लगाएंगे और फाइनलाइजिंग करेंगे। ये भी केक ना बेकरी स्टाइल ही दिखेगा। जब भी आपको ना कस्टमर बोलता है ना उनको बड़ा केक चाहिए, लेकिन तो फिर क्या करना, आप ना बड़ा टीन यूज़ करते हो तो उसमें सिर्फ कस्टमर को बोलना कि केक बड़ा है तो केक का वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके सिर्फ 2 ही लेयर हो जाएंगे। कभी कभी ना राउंड शेप में भी बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको ना केक दिखने में बड़ा चाहिए, लेयर 3 नहीं रही तो भी चलेगा। तो वो टाइम पर भी आप क्या कर सकते हो कि 1 kg का केक टीन अगर आपने यूज़ किया है ना बड़ा वाला, तो उसके सिर्फ 2 ही लेयर कट करना और ना फिर आप उसकी आइसिंग कर लेना। ये भी रेक्टेंगल शेप का मेरा जो टीन है ना बहुत ही बड़ा है, इसीलिए मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि उसमें ना सिर्फ 2 ही लेयर करती हूँ। कि मैंने क्या किया था, हमारी जो डार्क कंपाउंड है ना उसको अच्छे से एकदम हमारा जो छन्नी आती है ना जो हम जिससे हम कीसते हैं वो वाली, उससे ना अच्छे से चॉकलेट को कद्दूकस किया था, और अभी हम उसको पूरे केक के ऊपर लगाएंगे। और मैंने क्या किया था ना, बीच में ना एक छोटा सा ये होता है ना ढक्कन होता है वो रखा था, क्योंकि ना वो एक राउंड शेप आ जाए इसलिए। और फिर मैंने केक को फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिया। बीच में ना रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था तो इस वजह से वो वीडियो में ना नहीं आया है। फिर मैंने 4 फ्लावर्स बनाए थे, येलो कलर के और रेड 2 और रेड कलर के 2, और मैंने चॉकलेट का भी फ्लावर बनाया था। मेरे पास ना एक न्यू मोल्ड था तो मैंने सिर्फ वो फॉन्डेंट वाला मोल्ड है, तो मैंने ना चॉकलेट का फ्लावर बनाने का उसमें ना ट्राई किया था। आप देख सकते हैं मैंने ना फ्लावर बनाए हैं। अगर आप लोगों को ना मेरा एक एक का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आप देख सकते हैं फ्लावर भी कितना अच्छा बना है। और मैंने क्या किया है ना, मेरे पास जो फूस कलर थे ना तो मैंने ना उसका ही यूज़ किया है, क्योंकि ना अगर आप एक केक के छोटा सा एक ही फ्लावर बनाए ना केक के लिए, तो वो क्रीम में कलर डालो फिर उसको अच्छे से मिक्स करो फिर लगाओ, इससे अच्छा ना अगर आपके पास कलर है ना कोई भी जैसे फूस कलर आजकल मार्केट में बहुत डिफरेंट आए हैं, तो वो 2-3 आप लेके रखोगे ना जो मेन लगते हैं हमको, येलो कलर रेड कलर, तो ना वो बहुत आसान होता है कि आप वाइट क्रीम से ही फ्लावर बना दो फिर उसके ऊपर ना वो फूस कलर कर दो, तो उससे ना फिर एक अच्छा सा डार्क और एक तो ना डार्क कलर भी आता है। आप देख सकते हैं कि कितना डार्क कलर भी आ रहा है और ना ये कड़वा भी नहीं लगता, आप कितना भी डार्क कर दो ना, जब हमारा जेल कलर या कोई भी लिक्विड कलर आप यूज़ करते हो ना अगर ज़्यादा डार्क हो जाता है ना तो
तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और ये फुसफुस कलर आते हैं ना, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरे ना क्रीम ख़त्म हो गई थी, इतनी थी, और एक ही फ्लावर बनाना था, इसलिए मैंने बेक भी नहीं की। जितनी क्रीम थी ना, उसमें ही मैंने फ्लावर बनाया था। आप देख सकते हैं, अभी ना एक फ्लावर हम केक के ऊपर रख देंगे। और मैंने कहा था ना कि मैंने ना ढक्कन रखा था, उसकी वजह से ना बीच में ना राउंड शेप आया है। तो ये हमारा मोदक नोजल आता है ना, तो मैं ना उससे पूरा राउंड शेप कवर कर दूंगी मोदक नोजल से। अगर आपके पास जो भी नोजल हो या आपको जो डिज़ाइन अच्छी लगती हो, आप उससे भी कर सकते हो। और उसके ऊपर ना हम चेरी लगा देंगे। आप देख सकते हैं इतनी सही केक ना कितना अच्छा लग रहा है हमारा। अगर आप लोगों को ना मेरा एक केक का वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हमने ना चॉकलेट के कद्दूकस करके डाला है ना, अगर इसके ऊपर हम फ्लावर रखेंगे ना, तो फ्लावर ना नहीं बैठ पाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया है, थोड़ी सी जगह की है और फिर उसके ऊपर हमने फ्लावर रखा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ चार ही फ्लावर का यूज़ किया है, चार साइड में, और एक ना बीच में मैंने चॉकलेट वाला फ्लावर यूज़ किया है जो मैंने बनाया था। और उस पे ऊपर ना मैंने हमारा गोल्डन फुसफुस कलर आता है ना, उसका यूज़ किया था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए केक का फाइनल लुक, आप देख सकते हैं कि केक कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को मेरा एक केक का वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करना प्लीज़।